युवाओं के साथ साथ युवतियां भी स्मैक जैसे नशे की दलदल में धंसती जा रही हैं। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस इन युवतियों का भी इलाज करवा रही है। नशा मुक्ति अभियान पूरे जोरों पर है। जहां युवाओं को नशा मुक्त किया जा रहा है तो वहीं नशे की आदि युवाओं का इलाज करवा कर उनको नशा मुक्त करवा दिया गया है। अब तक 300 युवाओं का इलाज करवाया जा चुका है। SP कमलदीप गोयल ने बताया कि तीसरा आपसी कैंप पुलिस लाइन में लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि अब तक 4 महिलाएं सामने आई हैं और उनके लिए भी कैंप लगाने के बारे में विचार किया जाएगा। फिलहाल सभी का इलाज करवाया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर यमुनानगर के SP कमलदीप गोयल ने एक अहम बैठक ली। उन्होंने कहा कि नशे को लेकर काम करने वाले सभी NGO सदस्य हीरो हैं, नशा छोड़ने वाले भी हीरो हैं। इस मुहिम को ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना है। मरीज अभी तक हमारे जो कैंप है उसमें ठीक हुए हैं। हमने ये भी डिसीजन लिया कि कल हम उन सभी 24 पेशेंट्स को कल शनिवार को 4 बजे बुलाएंगे उन कैंप एक बार, क्योंकि ये देखने की ज़रूरत है कि वो लोग अभी ठीक से हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उनको कैसा अनुभव उनका अभी तक रहा, उनके परिवार के सदस्यों को ही बुलाएंगे। तो ये एक फीडबैक भी साथ के साथ हमें मिलता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। सर अब तक लगभग 300 लोगों का हम ट्रीटमेंट शुरू करवा चुके हैं और 300 तो ये हो गए जिनका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है और 150 जैसे मैंने बताया कि हमीदा ग्रुप के जो आइडेंटिफाई हो चुके लेकिन उनका ट्रीटमेंट के लिए वो लोग सामने नहीं आ रहे, तो उनको हमें अपनी इस मुहिम के फोल्ड में लेके आने के लिए अब हम उन्हीं के एरिए में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमीदा का जो 19 तारीख का कार्यक्रम है वो इसी टारगेट के साथ है। एक सर कुछ 15 लोगों का सर्वे करवाया था तो उसमें थोड़ा सा और कुछ काम किए जाने की आवश्यकता है, तो जैसे ही इसमें कुछ कंक्रीट एक्शन हमारी तरफ से होता है तो मैं मीडिया के सामने आके उसकी जानकारी दूँ। देखिए 3 या 4 महिलाएं ऐसी हैं जो सामने आई हैं इस समस्या से, उनका ट्रीटमेंट हमने शुरू करवाया है लेकिन ये भी सूचना आ जाती है कि वो शायद दोबारा फिर नशा करने लग जाती हैं। तो महिलाओं के लिए जो कैंप है उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं कि कैसे उसको आयोजित करें, क्योंकि उसकी व्यवस्था थोड़ी सी हमें अलग तरीके से करनी पड़ेगी। बट मेरा प्रयास है कि जल्दी ही हम इन 3-4 विक्टिम्स के लिए कोई अलग व्यवस्था बना दें कैंप लगाने। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।